हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनीज क्रिकेट वर्ल्ड पर। आखिर क्यों T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नहीं बनती विराट कोहली की जगह, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा देरी किए बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। IPL 2024 के पहले मैच में फेल रहने के बाद विराट ने दूसरे मैच में 49 गेंदों पर 77 रन ठोके। काफ़ी समय से बात हो रही है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलेगी। जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप होना है। मैच के बाद विराट की बातों से यह साफ था कि वह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन टीम समीकरण को देखें तो विराट को भारतीय T20 टीम के प्लेइंग 11 में जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे, ऐसे में उनका प्लेइंग 11 में रहना तय है। पिछले एक साल में यशस्वी ने लगातार रन बनाए हैं और वह रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते देखेंगे ही। मध्य क्रम में सूर्यकुमार यादव को बाहर नहीं किया जा सकता है, वह इस समय दुनिया के नंबर एक T20 बल्लेबाज हैं। वहीं हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह टीम के फिनिशर हैं और एक विकेट कीपर को प्लेइंग 11 में जगह देना ही पड़ेगा। इसके लिए जीतेश शर्मा, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत जैसे दावेदार हैं। इन छः के बाद रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल सातवें नंबर पर ऑलराउंडर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर चार प्रमुख गेंदबाजों का नंबर आता है, इसके लिए कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हरदीप सिंह के साथ भी कई विकल्प हैं। यानी भारतीय टीम चार प्रमुख बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, दो ऑलराउंडर और चार गेंदबाज के साथ उतर सकती है। वहीं विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप की टीम में तभी जगह मिलेगी जब उनका प्लेइंग 11 में खेलना तय हो। विराट को प्लेइंग 11 में सेट करने के लिए यशस्वी जायसवाल या रिंकू सिंह में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और उनके खेल को देखते हुए यह असंभव है। इसके अलावा एक गेंदबाज कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में टीम के पास हार्दिक और जडेजा को मिलाकर भी 5 ही गेंदबाज होंगी और अगर एक भी गेंदबाज की पिटाई हुई तो टीम परेशानी में आ जाएगी। वहीं अगर कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता है तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों को भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान शायद ही प्लेइंग 11 में जगह मिले। जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज के दौरान यशस्वी जायसवाल की वजह से शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा था। ऋतुराज तो उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे। यही वजह है कि जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जब भी भारतीय टीम की घोषणा होती है तो कई भारतीय फैंस के दिल टूटने वाले हैं। तो क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिलेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।